नमस्कार, स्वागत है डिजाइनर के पिशर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा जोधपुरी कोट का कॉलर कैसे बनाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ तो शुरू करते हैं। आज हम जोधपुरी कोट का कॉलर चिपकाएंगे। ये हमने ट्रायल के लिए इस कॉलर को काटा था। इसी नाप के हमने ये तीन कॉलर पीस और काट लिए हैं। इसको तो हम रख देते हैं साइड में। और ये हमारा कॉलर का ऊपर का पीस है। तो सबसे पहले हम इस पर एक नेट चिपका देंगे कपड़े के ऊपर। इस तरीके से हम इस पर बारीक वाली जो नेट होती है वो हम चिपका देंगे। उसके बाद हम इस पर इस तरह से कॉलर को रख के और उसको पेस्ट कर देंगे। इसके तीन पीस हमें लगाने हैं। इस तरीके से हम
नेट का एक पीस यहाँ चिपका देंगे, दोनों साइड में हमें इस तरह से चिपका देने हैं, क्योंकि जब हम हुक हाई लगाते हैं तो धागा बुकरम में नहीं पकड़ेगा, वो इसका उसको काफ़ी सपोर्ट मिल जाएगा। इसमें हम दो पीस लगा सकते हैं। ये हमारा इस तरह से हमें पेस्टिंग करना है। उसके बाद आता है हमें क्लिप्स लगाना होता है कॉलर पे, जैसे ये कॉलर होता है इस तरीके से जब हम बनाते हैं तो इस साइड में हमें एक क्लिप्स लगाना होता है इस तरीके से, ठीक। तो हम उसको इस तरीके से काट लेंगे और इसको भी हम चिपका लेंगे। ये हो गया, ये इसका अस्तर है, इस पर हम ठीक से प्रेस लगा लेंगे क्योंकि बाद में ये श्रिंक हो सकता है। ये हमारा अस्तर हो गया। कॉलर के ऊपर हमें एक पाइपिंग लगानी है, इस कपड़े की हमें पाइपिंग लगानी है, हमने इसी के बोन काज बनाए थे और इसी का हमने पॉकेट स्क्वायर डाला है वॉलेट पॉकेट के अंदर, और इंटीरियर में भी हमने यही कपड़ा लगाया है, तो इसकी एक हम यहाँ पर बोन निकालेंगे ऊपर। तो चलिए मशीन पर चलते हैं और इसका कॉलर बनाते हैं। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम इसकी पाइपिंग बनाएंगे। पाइपिंग के लिए हमें एक डोरी लेनी है, कॉलर के बराबर हम इसकी डोरी ले लेंगे, इसे थोड़ा बड़ा ले लेंगे। और उसके बाद इस तरीके से हम डोरी की सिलाई निकाल लेंगे। सिंगल बूट इसमें लगता है। इस तरीके से सिलाई मारने के बाद हम इसको एक पैर काट लेंगे इस तरीके से।
इसके बाद हमें क्या करना है, हम एक सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ये सिलाई ऊपर जो हमें सिलाई दिखाई दे रही है बिल्कुल इसी जगह पर हमें पाइपिंग लगानी है, इसीलिए हमने एक हम चाक का निशान यहाँ लगा लेंगे इस तरीके से। ठीक, उसके बाद हम इस पर पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग लगाने से पहले इसका थोड़ा सा धागा हम इस तरीके से खींचकर और काट देंगे। ठीक, अब हमारी जो पाइपिंग है वो इस जगह पर है, इस जगह पर है। ठीक है, इतनी पाइपिंग हमने काट दी है, इस जगह पर हमारी पाइपिंग है, तो हम इस जगह पर रख करके इस जगह पे और हमें सिलाई मारनी है। ये हमने वाइट कलर का निशान लगाया है और बिल्कुल इसी जगह पर हमें सिलाई रख के सिलाई मारनी है। इंडिकेशन के लिए हमने नीचे एक सिलाई लगा ली है। सिलाई अगर आप नहीं लगाना चाहें तो इसको प्रेस से मोड़ भी सकते हैं। ठीक, तो उससे आपका निशान आ जाएगा, लेकिन ये सिलाई ऊपर नहीं दिखनी चाहिए, ये दब जाएगी। इस हिसाब से हम इसको बनाएंगे। अब नीचे की सिलाई का और इसकी जो सिलाई है थोड़ा सा हमें एक सिलाई इधर रख करके इसको सिलाई मारनी है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम मार्जिन को काट देंगे। क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे इस जगह पर तो इसके साथ ये यहाँ पर काफ़ी गड़बड़ी पैदा करता है, इसलिए इस पाइपिंग को यहाँ तक ही रखनी चाहिए, इसको आगे का हिस्से को काट देना चाहिए। ठीक, इस हिसाब से हमारी ये पाइपिंग लग जाती है। इसके बाद इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हम काट देंगे। इस तरीके से यहाँ रख के अब जहाँ हमने पाइपिंग की सिलाई मारी है उसके ऊपर ही हम पाइपिंग की सिलाई मार देंगे।
इस तरीके से। इस तरीके से हम सिलाई मार देंगे। उसके बाद इसके लूप्स पर हम सिलाई मारेंगे। आधे पैर के मार्जिन से हम इसके लूप्स का जो मार्जिन है वो काट देंगे इस तरीके से, और इसकी गोलाई पर कट लगा देंगे इस तरीके से। इस तरह से ये हमारा लूप्स तैयार हो जाता है और ये हमारी पाइपिंग लग जाती है इस तरीके से। इस तरीके से ये पाइपिंग आ जाएगी और इस तरीके से ये बैठ जाएगा ऊपर। ठीक, तो चलिए इसको अब जमाते हैं। इस तरीके से हम इसको प्रेस कर देंगे। इस तरह से प्रेस मारने के बाद हम इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे। और इसे इस तरीके से इसको अस्तर को हम इसको यहाँ पर जमा देंगे। इस तरह से हम कॉलर को जमा देंगे और ये इस तरह से हमारी पाइपिंग बन जाएगी। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।
अभी आपने देखा जोधपुरी कोट का कॉलर कैसे बनाया जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए। जो लोग नए हैं उनको बता दूं, मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। मैं पिछले 40 साल से इस फैशन इंडस्ट्री में हूं, जहां मैंने बड़े डिजाइनर्स और सेलिब्रिटीज़ के लिए काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको सिखाऊंगा पैंट शर्ट कोट जैकेट टैक्सीडो ब्रिचेस शेरवानी कुर्ता पजामा, इन सभी की सिलाई और कटिंग की पूरी जानकारी दूंगा। इसके अलावा वो सभी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको एक अच्छा टेलर ही नहीं अच्छा डिजाइनर भी बनाएगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।